हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। जैसा कि आप जानते हैं, ज़्यादातर कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट शो कर रही हैं, तो वो हमें देखनी चाहिए। हम एनुअली रिजल्ट आ रही है, वो भी हमें देखनी चाहिए। जिस कंपनी में हमने शेयर ले रखे हैं, हमने जिस कंपनी का स्टॉक ले रखा है, तो कुल मिला के उस कंपनी में हमारी कुछ न कुछ हिस्सेदारी है। अगर उसकी प्रोग्रेस होती है, अगर वो कंपनी ग्रोथ में जाती है, तो हम लोग फायदे में होते हैं। अगर वो कंपनी ग्रोथ नीचे जाती है, तो फिर वो हम नुकसान में जाते हैं। इसलिए हमको भी यह ग्रोथ देखनी चाहिए कि वो कंपनी कैसी कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL। दोस्तों, इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे जबरदस्त रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2020 में इसका 8,885 करोड़ का बिजनेस हुआ था, और अभी 11,947 का बिजनेस हुआ है। कुल मिला के आपकी सेल में 34% की बढ़त हुई है, और आपकी ईबिटा में 43% की ग्रोथ हुई है, और आपका नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो 41% हुआ है, 41% हुआ है। बोले तो 2020 में इसका 1,519 था, और अभी 21 में 2,143 करोड़ हुआ है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है ये कंपनी, बहुत ही अच्छी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कंपनी का प्रोडक्ट भी देख रहे हैं, जिस कंपनी का हम शेयर लेकर रखे हैं, उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब तक हम उस कंपनी के बारे में नहीं जानते, तब तक हम उस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और जब तक हम इंटरेस्ट नहीं दिखाए, तब तक हम वहाँ से पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो दोस्तों, पैसा कमाने के लिए हमें उस कंपनी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो कब ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी, कब क्या होगा, क्या उसका ऑपरेशन है, क्या बिजनेस है, क्या टेक्निक है, क्या है, सब कुछ होना चाहिए उसके बारे में जानकारी। तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, इसके कंपनी के बारे में हर एक कोई जानता है। आप भी 100 में से कम 20-30% सामान अपने घर में इसका HUL का ही प्रयोग करते होंगे। तो दोस्तों, अगली कंपनी की बात करें तो इंडियामैन। दोस्तों, इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। जैसा कहते हैं, 2020 में इसका है 1,974। दोस्तों, क्या है इसमें, हाँ, मिलियन में रहा है दोस्तों, और अभी इसका रहा है 2021 में 1,853 मिलियन। तो दोस्तों, देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ कमी है। एक्सपेंस इसमें 2020 में कम थे, और इसमें ज़्यादा बढ़े हैं, और इसका प्रॉफिट जो रहा है वो जो PBST है, जो टैक्सेशन से ऊपर रहा है, 870 का रहा है। और दोस्तों, कुल मिला के इसके रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं रहे खास। जैसे कि आप EPS भी देख रहे हैं, अर्निंग पर शेयर, पिछले साल 28 का था, अब 18 का है। तो दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना है, देखना है इसको भी, कल स्टडी करनी है। और दोस्तों, अगली कंपनी है हमारी श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। इसके रिजल्ट क्या कहें दोस्तों, बहुत ही छोटी कंपनी है, और इसका जो ग्रोथ फिगर है वो लाख में है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं 2020 में इसकी जो टोटल इनकम थी वो 14,553 लाख की, और दोस्तों इस साल इसने 17,688 लाख की ग्रोथ करी है। और दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, लेकिन बहुत ही अच्छी जबरदस्त इनकम इस कंपनी ने इस बार दिखाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पर शेयर आपका EPS इसका पहले 0.99 था, अब 1.93 है। बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, कल इस पर निगाह आपको बनाए रखनी है। दोस्तों, अगली कंपनी की बात कर लेते हैं, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, STL बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, IT सेक्टर की बहुत ही जबरदस्त दिग्गज कंपनी है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आप जिसकी इस कंपनी में जितनी ही बढ़ाई करूँ, जितने इसके बारे में बोलूँ, उतना ही कहाँ है दोस्तों। टेक्नोलॉजी से बहुत ही जबरदस्त 5G इंडिया के अंदर इसकी वजह से आ रहा है। एयरटेल, IDR, BI सब कुछ इससे रिलेटेड होते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि अगर इंडिया के अंदर, क्या सारे देशों के अंदर अगर फाइबर ऑप्टिक केबल का अगर कोई उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में कर रहा है, तो वो STL ही कर रहा है दोस्तों। आप जानते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल एक ऐसी कंपनी, एक केबल है जो आने वाले समय की डिमांड है दोस्तों।
इस कंपनी का आप बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, करोड़ में है दोस्तों उसका। तो आप ईयर देखिए और क्वार्टर और क्वार्टर देखिए, ईयर ऑन ईयर भी इस कंपनी थोड़ा सा इसका नीचे गया है, 5154 में था, 21 में है 4825। लेकिन दोस्तों क्वार्टर फोर के आप देख रहे हैं, क्वार्टर फोर के 20 के 1160 करोड़ और इसका है 1475 करोड़ रिवेन्यू हुआ है दोस्तों। इसका 226 था 22 में और इसका 21 में 273 दोस्तों, बहुत अच्छा जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है दोस्तों। इसका EBIT 300 था 20 में और 21 में 212 दोस्तों, बहुत ही अच्छा जबरदस्त ग्रोथ दिखाया इसने। और इसकी जो गुडविल है वो आप देख रहे हैं 122 थी, अब गुडविल 292 हुई है इसकी। नेटवर्किंग कैपिटल आप देख रहे हैं 1335 था, इसका 1540 हुआ है। नेट इनकम देख रहे हैं आप दोस्तों, 20 में 80 करोड़ थी और 21 में 124 करोड़ हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इसका नज़र बनाइए। और इसका टोटल हम देख लेते हैं ग्रोथ का, तो 20 में ईयर ऑन ईयर इसका 3,495 है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी और रिस्क आने वाली कंपनी। देखो इसमें देख रहे हैं 12% का इसमें ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि अभी देखो कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें कि पहले से ही ऑर्डर बुक हो रखे हैं। देखो 22 का इसमें देखो 5470 ऑर्डर बुक है और इसमें 23 का भी अभी इसमें पहले से ही 5288 करोड़ का ऑर्डर इसका पहले से ही बुक हो गया था दोस्तों। बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, आप इसमें नज़र बना के रखिए और इसमें ग्रोथ के बहुत अच्छे चांस हैं दोस्तों। आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त बिजनेस करेंगे दोस्तों। देख रहे हैं आप 60 में इसका रिजल्ट देखिए और अब आप 21 में इसका रिजल्ट देखिए दोस्तों। OFC केबल बनाने वाली बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों ये। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग टाइटन की, टाइटन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो, इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसका क्वार्टरली का रिजल्ट देखते हैं 3,754 करोड़ और 21 में है 6,397 करोड़ दोस्तों, 70% का इसने जल्दी में गेन किया है। और 557 इसमें तो वॉचेज में तो ज़्यादा गेन नहीं कर पाई है, ईयर ईयर में इसने 127 का है 2.5% का किया है और अदर में इसने 30% का दिया है, कुल मिला के इसने 60% का ग्रोथ किया है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है इसने ग्रोथ किया है इस कंपनी में भी। आगे देख लेते हैं इसका टोटल असेट कंपनी के पास है 13,188 के और यहाँ है 15,860 करोड़ के दोस्तों, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 2,672 की ग्रोथ इसने कंपनी दिखाई है। और कुल मिला के इस कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है, तो आप इसको भी कल बजट बना के रख सकते हैं दोस्तों। कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, देखो यहाँ 20 का है 2010 और इसका है कंपनी का रेवेन्यू है इसमें 19,245, यहाँ 20,010 है और यहाँ है 19,245 दोस्तों। एनुअल रिपोर्ट इसकी थोड़ी सी कम आई है लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त आए हैं दोस्तों। कुल मिला के बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इसमें भी आगे इसको भी ट्रैक कर सकते हैं एक स्टडी के तौर पर दोस्तों। नमस्कार, फिर एक वीडियो के साथ मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।